श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर ककोड़े बनने की परंपरा हर घर में है। जन्माष्टमी के दिन व्रत रखने वाले ककोड़े खाकर अपना व्रत खोलते हैं। पंडित दुर्गा शंकर शर्मा ने बताया कि कृष्ण जन्माष्टमी पर भक्तों की विष्णु भगवान के प्रति आस्था को देखते हुए जन्माष्टमी पर्व पर भक्तों द्वारा व्रत रखा जाता है। वहीं पंडित दुर्गा शंकर ने बताया कि भगवान कृष्ण के जन्म से पूर्व माता देवकी ने ककोड़े की सब्जी खाई थी, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इसी महत्व को देखते हुए आज के दिन हर घर ककोड़े की सब्जी बनाई जाती है। इस महत्व से घर घर ककोड़े बनाने की परंपरा आज भी मान्य है। जब जन्म हुआ था उसके कष्ट वगैरह निवारण के लिए ये व्रत किया जाता है कि भाई इसका भगवान के ऊपर सारी श्रद्धा बनी रहे, जन जन जनता की और उनकी आस्था उनका जन्म के स्थान पे बढ़िया से मंगल आनंद मंगल हो जाए। और क्या इस दिन ककोड़े की सब्जी खाई जाती है? वो ककोड़े की सब्जी जन्म से पूर्व देवकी जी ने, माँ कृष्ण की माता जी ने ककोड़े की सब्जी खाई थी, उसके बाद में कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। यह है उसका महत्व।